देखो संगत सिंह गिलजिया जी का जो अज बेल हुई है वो मैं जुडिशरी का थैंक्स भी करना और एक चीज़ तो हो गया कि जुडिशरी जी अज भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और जो गलत पोलिटिकल वेंडेटा जो इन्होंने लिखा सी गिलजिया साहब के एडवोकेट ने कि इन्हों के नाल वेंडेट पोलीटल वेंडेटा के अधीन इन्होंने काम किया। दो महीने जोड़ा मिनिस्टर रहा वो की वो करेगा। सब तो पहली गल इन्होंने कहा कि 80,000 ट्री गार्ड खरीदे, वो बाद आप ही इन्होंने कहा हाईकोर्ट जी कहता कि नहीं जी 20,000 रह गए। जिस वे 20,000 तो जे भी बेल लगी सैशन जज दी उत्थे 1,500 रह गए। इहदा मतलब कि इन्होंने प्योरली और प्योरली पोलीटिकल इन्होंने केस बनाया और एक बजुर्ग आदमी नूं हरास किया और उहदे एक गलत केस बना के मेरे ख्याल 1,500 की आप गल करिए तो कहते जी 800 रुपया लिया तो 80,000 बन गया तो ज 8,00,000 बन गया। तो जे उन्होंने बिजनेस ही देख लीए वो ब्रदर वो अपना वो अपना परिवार अमेरिका के बड़ा वाला बड़े वैल सैटल्ड और बड़े बिजनेस के बहुत अगे ने एक किसी के नाल इफेक्ट करके मेरा ख्याल कि ये कुछ नहीं लभना। दूसरी चीज़ जी आप कहने कि ये जरा केस ने ये जिस वे वो मिनिस्टर से जिस वे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मीनस मिनिस्टर ये आप जे सा रूल्स ने लिखा हों कि मिनिस्टर मीनस गवर्नमेंट सैकटरी इज सैकटरी टू गवर्नमेंट यदा मतलब सैकटरी मिनिस्टर का सैकटरी है। IAS जिन्होंने फाइलों भेजिया अगर किसी मिनिस्टर ने उदे उपर डिफर किया है उदे अगेंस्ट लिखा है उन्हों ओवर रूल किया है फिर मिनिस्टर 100% उदे च गिल्टी है। अगर थल्यो सुपरिटेंडेंट ने फाइल बना के सुपरिटेंडेंट तो बाद अंडर सैकटरी आता जो तो वेखो तो देखा कि पता नहीं किन्ने साइन हो जाते उन्हें जिन्हें लोड़ भी नहीं। इस करके पंजाब दे विच काम जिहड़े पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान च काम इस करके लेट हो जाते क्योंकि फाइल चलदियां चलदियां 4 महीने कट देंगे। एक मिनट वो बाद सैकटरी जोड़ा फाइनल अपनी ऑब्जरवेशन देता वो नोट देता अपना तो जे तो मिनिस्टर ने उन्होंने डाउन मार्क करता है तो मतलब जो डिपार्टमेंट ने लिखा जो सैकटरी ने लिखा वो उन्होंने एक्सैप्ट है तो उन्हें वापस भेज दी कि जो तुम लिखा। ये मैं एक चीज़ दसो कि जेडे IAS ने वध गिल्टी ने मिनिस्टर ना वध गिल्टी ने उन्होंने कोई हाथ नहीं पा रहा तो जेडे बंदे दे विच जिन्हें कोई गल नहीं की वो कितने जा तो सैकटरी कवे कि मिनिस्टर ने कोल बिठा के मेरे को नोटिंग दिती आ तो फिर वो तो होर वड्डा केस बनना चाहिए कि तू भी कंस्टीट्यूशन की जिदन IAS बन के तू सौं खा के आया तो इन्हें मैं भी जो मैं मिनिस्टर बनया मैं भी कंस्टीट्यूशन की कि मैं लोगों लिए वफादार रहांगा तो जेडे IAS ज ऑफिसर ने वह भी सौं खाने असी संविधान के प्रति तो लोगों प्रति वफादार रहांगा असी किसी काम का गलत किसी गल की गलत नहीं करांगे। ये मैं भगवंत मान जी और विजिलेंस ब्यूरो अपील करनी चाहना कि पोलिटिकल बंदियां नूं इन्ना बदनाम ना करो कि लोकां दा पोलिटिकल सिस्टम तो विश्वास उठ जाए। तुसीं वी इहदे चाहुणा तुहाडे वी बंदे 30-35 साडे चों ही गए आ ते मैनूं वी उहनां बारे पता जिहड़े MLA बन के बैठे ने। इस करके पोलिटिकल क्लास दी हुण मैं एक चीज़ दस देनी चाहुणा मैं प्रगट सिंह और मेरे उतों बरिंदर मीत पाड़ा असी तीनों ही मिल के आए सी चीफ डायरेक्टर विजिलेंस वरिंदर कुमार जी ने मैं बड़ा उन्होंने बारे मेरे व्यूज एडे वधिया सी कि बहुत वधिया बंदा बड़ा ठीक बंदा। उहदे च मैं ये भी दस देना चाहुंदा कि जिस दिन बिक्रम मजीठिए दे असी चलिया ए डायरैक्टर BOIC उस वेले मैं ये गल कही कि ये बंदे ने इधर उधर नहीं गल करनी जे पोलिटिकल ये दिमाग च आ गई इन्हें करके मैं आप ट्रांसफर किया कि इंटैग्रिटी पर कोई डाउट नहीं। पर मेरे ख्याल ये कहेगा कि बहुत लेट केस है सर मैं अपने आप में विड्रॉ करता मेरे दिमाग ये चीज़ा मैनू क्या इन्हें कि संगत सिंह गिलजिया के उत्ते केस नहीं बनता इस करके अरैसट नहीं कर रहे।
और बड़ा अफसोस है कि अज बेल लगी सी उहदे पति जी नूं जिहदा कोई रोल नहीं। एक बंदे कोल एप्लीकेशन लई कि मैं इहदे मैं जी इहनां दे अकाउंट च वरिंदर कुमार जी तुसीं बड़ी देर दे हो अकाउंट च भी कदी करप्शन का पैसा आउंदा करप्शन का पैसा हमेशा दो नंबर च आउंदा ते तुसीं कहिंदे हो कि 5 लाख रुपया इहदे अकाउंट च आया। बड़ी शर्म की गल है कि एडा वधिया ऑफिसर इन्ना वड्डा झूठ बोल जे। मेरा ऑनेस्टी तो थोड़ा थोड़ा करके विश्वास उठा और खास करके वरिंदर तो उठा क्योंकि मैं मेरे गुरदासपुर SSP का ये गलत काम दे अगे खड़ा हो जाता सी। मैं सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पर देखा मैं मीटिंग्स में बैठा हुंदा सी इंटेलीजेंस का ADGP सी उत्थे सानू ना कर जांदा हुंदा सी। पता नहीं इहदी की मजबूरी आ इस सरकार दे अगे कुटने टेक आ। मैं दस रहा मैनू क्या वरिंदर मीत माड़े पाड़े नूं क्या मैं क्या मैनू कहिंदा इसे करके संगत सिंह गिलजिया नूं असीं फड़ लैण जा रहे उहदे उत्ते केस नहीं बन रहा मैनू क्या। मैं सामने तुसीं कह दो वरिंदर जी नूं मेरे ख्याल के दसना मैं सामने सामने हो जाऊंगा कि तुसीं वरिंदर जी मैनू क्या। पर आह जिहड़ा काम करना कि मोबाइल के उत्तों या किसी उत्तों या हुण तुसीं कह दो मैं कह दा कि वरिंदर कुमार ने मेरे कोलों 10 लाख रुपया लिया तो की गल वरिंदर कुमार ते FIR होएगी। ये बड़िया झूठी एविडेंस ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ PR ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ 420 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਾ ਟੂਟ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਕਿ News 18 ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ SHE ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਪ ਸੀਕਰੇਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੋਪ ਸੀਕਰੇਟ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕਰਟ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੰਦ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1000 ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ MLA ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ
उस टाइम उन्होंने ये भी नाल किया कि जेडे एम एल ए ने एक दो तीन नंबर जी सीट आ रिजर्व रखी जाती सी एम एल ए क्योंकि उदो फ्रीडम फाइटर तो बड़े डाउन टू जे अर्थ होंगे जी जेड़े इन्होंने घरों चो कई कई एम एल ए को 500 रुपया सिक्योरिटी देने नहीं होंगे पार्टी देती सी उन्होंने भर्ती वो चीज़ में करके उन्होंने वेख्या कि एम एल ए जो उतर जाता उस वे 73 के ज्ञानी जैल सिंह बिल लैके आए थे मेरे ख्याल 300 रुपया उस टाइम पेनशन उन्होंने की उदो की पेनशन तुरी उन्हें अज मैं भगवंत मान को एक अपील करता मेरे ना बहुत एम एल ए अज औखे भी हो गए मैं भगवंत मान जी को यह कहना कि असी सारे अफोर्ड कर सकते सानू एम एल ए होस्टल चंडीगढ़ च दिते ने फ्लैट एम एल ए सारे ही तकरीबन तुम देखते हो कि चंडीगढ़ बैठे होंगे साडा जिहड़ा अलाउंस आ ये बिल्कुल बंद करना चाहिए जेडे असी अपनी अपनी कारां ते सानू सरकार ने कार दी है जिहड़ी गड्डी चाहुंदे आ वो सिक्योरिटी की गड्डी च ही बैठे होंगे तो तुसीं दसो कि सिक्योरिटी का तेज पै गया सिक्योरिटी को तो एम एल ए साहब उत्ते बैठे ने हवा च कि गड्डी के उत्ते मैं चढ़ के आया जी ये 10,000 रुपया भी बंद होना चाहिए मीटिंग का तो फिर तो अं है सच्चे भगत तो एवें झूठी बल्ले बल्ले कराने का कोई मतलब नहीं और मैं अज तक 4-5 मीटिंग्स हुई ने मैं कभी मीटिंग दे साइन ही नहीं की मीटिंग च है ही कोई नहीं उत्तर की डिस्कशन करनी सिर्फ 10,000 रुपया लेना महीने च साड़ियाँ 4 मीटिंग होंगे तो वो जोड़े दो भी कई होंगे ने यह मतलब जोड़ा एक कमेटी जो 40,000 मिल गया जोड़ा दोवह चो गया 80,000 मिल जूगा ये चीज़ भी बंद होनी चाहिए। रंधावा साहब नवे डी जी पी का उन्होंने किमें देखते हो काम कर उन्होंने कहा भी जोड़े गैंगस्टर है थोड़े दिन ही असं खत्म कर मैं जी उन्होंने मैं मुबारकबाद देना और साढ़े टाइम से भी रहे ने उन्होंने इंटैग्रिटी दे मैं कोई डाउट नहीं करता पर पहले डी जी पी से भी इंटैग्रिटी दे मैं वो भी डाउट नहीं करता मैं जरूर कहा कि यह एक कमजोर डी जी पी है मैं उस डी जी पी कैप्टन अमरिंदर सिंह के वेले भी देखा जो इंटैलीजेंस के जड़ी गल गलत होंगी सी ठोक के वो जवाब दे दिता सी ही मैं ये भी देखा कि वरिंदर कुमार भी बड़ा ठोक के जवाब देता पता नहीं की गल होगी की मजबूरियां जा 25 के रिटायरमेंट रखी जो जान के तकरीबन जो मंजे से पै जाए उदो आस भी छड़ दी है कि यह बंदा तो हूँ गया तो यार कोई गल नहीं। एक गल फतेहगढ़ साहब बेअदबी के उत्ते इजलास होया जी सारे बुलाया गया पर थोड़े प्रताप सिंह बाजवा के अलावा उत्ते कोई नहीं पहुंचा तो तुम क्यों नहीं गए तो हूँ जिवें उन्होंने मैं झूठी झूठी ये मैं झूठी शोहरत नहीं लैना चाहता मैं ये बोले ने अपने बलवंत सिंह रामू वाली है जी वो कहते मैं 2016 च वरियाम सिंह छड़िया तो मैं भी एक वरियाम सिंह इतों पटियाला जेल तो छड़िया उन्होंने कहा कि मेरे तो बिना किसी ने भी कोई कैदी नहीं छड़िया मेरे ख्याल स्पोक्समैन वाले दे तो मैं लिस्ट भी दी सी मैं अपने टाइम च 7 आदमियों पंजाब दी जेलों चो छड़िया जिहड़े उस टाइम के बंदी सिंह सी अज पंजाब दे विच कोई भी बंदी सिंह नहीं सिर्फ वो बंदी सिंह रह गए ने जिन्हों का केस चंडीगढ़ च जिन्ह का केस दिल्ली च उन्होंने स्टेटा ने छड़ना और मैं उस टाइम केजरीवाल साहब ने लैटर लिखी सी कि दविंदर पाल सिंह जिहड़ा हैगा इहदा केस जिहड़ा इहनू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के उत्ते कंसिडर किया जाए क्योंकि फिजिकली और मैंटली ठीक ने तो इहनू आपां छड़ देना चाहिए उन्होंने मैनू जवाब नहीं दिता मुख्यमंत्री नूं चाहिदा सी जिहड़ा दिल्ली गवर्नमेंट का मिनिस्टर या जेल मिनिस्टर नूं जेल मिनिस्टर ही जवाब दिंदा पर उन्हां 'च इन्नी एरोगेंस सी या उस गवर्नमेंट दे विच इस दिल्ली वाली गवर्नमेंट 'च उन्होंने एक अंडर सैकटरी को मेरे प्रिंसीपल सैकटरी नूं जवाब दिता कि साडी कमेटी बैठी है उहने इहदा केस रिजैक्ट कर दिता दूसरी तरह फिर दोबारा लिखा गया के टी एस तुलसी की रिप्रजेंटेशन आई सी वो के टी एस तुलसी की फिर जवाब मैं क्या यार इन्हें देना नहीं मैं फिर वेंकटा रतनम उस वे साडे प्रिंसीपल सैकटरी ये जेल से उन्होंने वालों लैटर लिखाई मैं क्या 2 साल हो गया वो उन्होंने जवाब देना ही नहीं समझा।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ। ਬੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਗੇਂਸਟ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।